हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एंड आई होप आप सभी लोग अपने घर पर हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक की, और एक ऐसे टॉपिक की जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो टॉपिक का नाम है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जब भी मैं बात करता हूँ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, तो ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। मतलब आप प्रीवियस ईयर अगर बोर्ड पेपर्स की बात करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि इस चैप्टर को कई बार पूछा गया है, इस टॉपिक को कई बार पूछा गया है, और इससे हर साल जो क्वेश्चन है वो बनता ही है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में बने, हो सकता है कि वो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में बने, हो सकता है वो शॉर्ट आंसर टाइप में बने, पर बनेगा ज़रूर। ठीक है जी, तो आज हम इस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में इस पूरे लेक्चर को अंत तक आपको देखना है, क्योंकि ये लेक्चर आपके 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का करके जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। सबसे पहले जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता क्या है। तो जब भी मैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करता हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि डे बाई डे जो हमारे आसपास में अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज, उन पे प्रेशर बढ़ रहा है। कारण क्या है? पॉपुलेशन बढ़ना। हमारी जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या होता है? डिमांड बढ़ती है। डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो इन नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। और जब नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ने लगता है तो बायोडाइवर्सिटी का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, क्योंकि हम हमारे फायदे के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल और ज़्यादा करने लगते हैं। भाई जैसे मान लीजिए नेचर में जो भी चीज़ें हमें मिल रही है, तो नेचर में मिलने वाली चीज़ों से हमें बेनिफिट हो रहा है। और हर कोई क्या होता है कि जब हमें बेनिफिट होने लगता है तो हर कोई यही चाहता है कि यार उस बेनिफिट को क्यों ना दुगुना किया जाए। अगर मुझे किसी चीज़ से प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं ये पूरा चाहूँगा कि मेरा ये प्रॉफिट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो जब प्रॉफिट बढ़ाने की बात आती है तो नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दिया जाता है, यानी अति दोहन कर दिया जाता है, उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया जाता है। और ज़्यादा करने से बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है? बहुत तगड़े लेवल पर लॉस होने लगता है, नुकसान होने लगता है। और इस लॉस को रिकवर करने के लिए हमें क्या करना है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है। तो जब भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करोगे तो नाम आएगा 2 तरीकों का। एक होता है इन सीटू और एक होता है बेटा एक्स सीटू। तो वन इज इन सीटू कंजर्वेशन एंड अदर इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। याद रखिए कि इन सीटू कंजर्वेशन का नाम ऑन साइट कंजर्वेशन भी होता है, और इसका नाम होता है भैया ऑफ साइट कंजर्वेशन। मतलब एक आपके पास में ऑन साइट कंजर्वेशन है और एक आपके पास में ऑफ साइट कंजर्वेशन। जब मैं बात कर रहा हूँ ऑन साइट कंजर्वेशन की, इसका मतलब किसी को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही रिजर्व कर देना, यानी जो चीज़ जहाँ पर है उसे वहीं पर सिक्योर कर दिया गया, वहीं पर सेव कर दिया गया, दैट इज ऑन साइट। और अगर मान लीजिए कि किसी को मुझे बचाना है तो उसे मैं उस जगह से निकाल कर मेरी बनाई हुई जगह पर या मेरी देख रेख में उसे मैं कंजर्व कर रहा हूँ, बचा कर रख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो जगह पर नेचुरल हैबिटेट में उसे उसी के रहवास स्थान पर ही बचा लिया जाए, दैट इज इन सीटू ऑन साइट। और किसी को उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल कर किसी दूसरी जगह पर सेव किया जाए, सो दैट इज कॉल्ड एक्स सीटू। तो वन इज इन सीटू एंड वन इज एक्स सीटू भैया। तो हमें इनका मतलब समझना है, और आप ये मान के चले कि बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन छपेगा, और लगभग लगभग 100% छपेगा, इसलिए ये टॉपिक जरूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन सीटू को। किसको पढ़ते हैं? इन सीटू को। चलिए अगले पेज पे पढ़ लेते हैं इसे, इन सीटू को हम पढ़ लेते हैं। तो जब भी मैं बात करता हूं इन सीटू की, तो ध्यान से समझिएगा, कुछ कुछ बातें हैं शॉर्ट में जान लेते हैं, और जहां से क्वेश्चन आएगा उतना जान लेते हैं, उसमें भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, इस वीडियो से आपका ये बात है कि 2 नंबर बोर्ड के पक्के हो जाएंगे भैया। ऑल्सो कॉल्ड ऑन साइट कंजर्वेशन, इसे क्या कहा जाता है? ऑन साइट कंजर्वेशन कहा जाता है। इसमें किया क्या जाता है? इन दिस
एनिमल्स आर कंजर्व्ड इन देयर नेचुरल हैबिटेट. एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में क्या किया जाता है भैया, कंजर्व किया जाता है. तो एनिमल्स आर कंजर्व्ड इन देयर नेचुरल हैबिटेट. ओके, बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में, ये चीज पे बिल्कुल ध्यान देना है. जब मैं बात नेचुरल हैबिटेट की करता हूं तो यहां पर हम बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है या जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ जगहों को क्या कर लेते हैं, हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं ताकि कंजर्वेशन किया जाए. हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, जहां पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो. हाई डिग्री ऑफ क्या हो, एंडेमिज्म. एंडेमिज्म का मतलब है लोकैलिटी, यानी जो चीज जहां पर मिलती है उसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगी. यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर इस जगह पर एक स्पीशीज अवेलेबल है तो दूसरी स्पीशीज कहीं और पे नहीं मिलेगी, तो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो. नेक्स्ट है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हाई डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होनी चाहिए, मतलब उस जगह पर बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए, वेराइटीज होनी चाहिए. ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो उसको बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जा सकता है. तो इन सिटू में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो आते ही है कि भैया ये जगह पर तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, इसका तो विशेष ध्यान रखो. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात की जाती है. जब मैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करता हूं तो वर्ल्ड में टोटल कितने हॉटस्पॉट है, 34 है. और इंडिया में कितने हैं, इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं. हालांकि अब 4 हो चुके हैं, अभी मैं बताऊंगा. अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बायोडाइवर्सिटी में 4 हॉटस्पॉट हो चुके हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं और अभी एनसीईआरटी में 3 दिए हुए हैं तो 3 मान के चल रहे हैं. 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इंडिया में. नंबर 1 पर है हिमालयाज, हिमालयाज. सेकेंड पर हमारे पास में है वेस्टर्न घाट. सुंदरबन लैंड है, चौथे नंबर पे सुंदरबन लैंड आता है, लेकिन आप 3 ही याद रखें जब तक अपने एनसीईआरटी में जब तक उसको अपडेट ना किया जाए. इंडो वर्मा श्रीलंका का जो है. तो ये 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे पास में इंडिया में बताए जाते हैं. वर्ल्ड में टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 34. इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 3. ये याद रखने, ये पूछे जाते हैं. वे हिमालयाज हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गया, इंडो वर्मा हो गया, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी, ठीक है जी. इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, टोटल 4 है, टोटल 4 हो चुके हैं, पर इंडिया में अभी 3 अपन क्यों मान के चल रहे हैं, क्योंकि एज पर द एनसीईआरटी अभी अपडेट अगर नहीं हुआ है तो हमें इसे ऐसे ही याद करना है. इसके अलावा अगर हम इन सीटू के एग्जाम्पल की बात करें, इन सीटू में किसे किसे इंक्लूड किया जाता है, हालांकि एग्जाम्पल हम यहीं पर लिख लेते हैं. अगर मैं इसमें एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ तो एग्जाम्पल में आप बताएंगे नेशनल पार्क्स. नेशनल पार्क इसका बढ़िया एग्जाम्पल है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और इसके अलावा आपके पास है बायोस्फेयर रिजर्व. हालांकि इसे हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स को. तो इन सीटू के एग्जाम्पल्स हमारे पास में क्या क्या है, देखिए नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और बायोस्फेयर रिजर्व्स हैं. बायोस्फेयर रिजर्व्स हैं, ये आप याद कर लेना, ठीक है. अब हालांकि ये नंबर भी चेंज हो गए हैं, पर जैसे अभी हम इसमें 90 नेशनल पार्क्स मानते हैं, ये नंबर अब बढ़ चुके हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है तो ये 448 है, बायोस्फेयर रिजर्व है तो 14 है. तो ये अभी जो है ये नंबर अब बदल चुके हैं, ये नंबर अब गूगल पे आप देखेंगे तो अपडेट हो चुके हैं, बदल चुके हैं. लेकिन अभी भी अगर बुक इन्हीं नंबर्स को फॉलो कर रहा है तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, ये बात है.
तो ये आपको याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू बने या एग्जाम में पूछे, जैसे बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट पूछ सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछ सकते हैं, आपको क्या होता है तो आपको बताना है, जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो और जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो वहाँ पर आप ये बोलेंगे, टोटल वर्ल्ड में इतने हैं, इंडिया में इतने हैं, बस ये, ठीक है, ये इन सीटू की बात आ गई। नेक्स्ट आपके पास में आता है भैया एक्सीटू, कौन सा आता है, एक्सीटू कंजर्वेशन, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है भाई, इसलिए पढ़ना है। एक्सीटू कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इसे हम कहते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन, ऑफ साइट ऑल्सो कॉल्ड ऑफ साइट कंजर्वेशन। ऑफ साइट का मतलब क्या है कि किसी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर आर्टिफिशियल हैबिटेट में उसे क्या किया जाता है, हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल हैबिटेट में उसे कंजर्व किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो ऑफ साइट कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज कंजर्व्ड इन द आर्टिफिशियल एनवायरमेंट और अंडर ह्यूमन केयर, इज कॉल्ड एक्सीटू कंजर्वेशन। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एक्सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, ये हमारे पास में एक्सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। जब मैं एक्सीटू कंजर्वेशन की बात करता हूँ ना, इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं मेरे लिए। जैसे एग्जाम्पल्स में अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल्स में आप देखिए, जैसे वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो सीड बैंक भी इसी में आएगा, पोलन बैंक भी इसमें आ सकता है, ब्लड बैंक जैसे आप बात करते हैं तो वो भी इसमें आप ले सकते हैं। वैसे तो क्रायो प्रिजर्वेशन की जितनी भी टेक्निक्स होती है, क्रायो प्रिजर्वेशन याद करें, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस में रख रहे हो, लिक्विड नाइट्रोजन में रख रहे हो, तो ये भी तुम्हारे इसी में आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सीड बैंक, पोलन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क्स, एक मान लीजिए सफारी पार्क है, सफारी पार्क तो हो गया, बोटेनिकल पार्क या बोटेनिकल गार्डन, तो ये सारे के सारे तुम्हारे किस में आ जाएंगे, एक्सीटू कंजर्वेशन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे भैया, एक्सीटू कंजर्वेशन में आ जाएंगे। अब एक नाम और था, जैसे सेक्रेड ग्रूव्स नाम होता है, सेक्रेड ग्रूव्स जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पवित्र उपवन कहते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स, तो सेक्रेड ग्रूव्स भी आपको किस में मिल जाएगा, हालांकि इन सीटू में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा, इन सीटू में मिल जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स का मतलब होता है पवित्र उपवन, जैसे जयंतिया की पहाड़ियाँ हो गई, है ना, ऐसे खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हो गई, ऐसे बहुत सारे पवित्र जो स्थल हैं, है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे आई कैन से पहाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा भैया, इन सीटू का एग्जाम्पल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इन सीटू में, मैंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको बताया, एक्स सीटू में जो आपको याद रखना है वो ये इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन के पूछे जाने का तरीका क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन के पूछे जाने का तरीका यहाँ पर ये है कि या तो इन सीटू एक्स सीटू में डिफ्रेंशिएट कर लो, या इन सीटू या एक्स सीटू को एक एग्जाम्पल से समझा लो, ये ऐसे सवाल आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान रखना है। एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है अगर आप बात करेंगे तो ये आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी इन सीटू एक्स सीटू पढ़ रहे हो तो पता रहे कि इन सीटू क्या है और एक्स सीटू क्या है, ऑन साइट कंजर्वेशन क्या है और ऑफ साइट कंजर्वेशन क्या है, ये चीज़ हमेशा याद में रहे आपको कि बायोडाइवर्सिटी और ये एग्जाम्पल एग्जाम में आते ही आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्वेश्चन, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक्स सीटू के एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं।
तो इस एग्जाम में जब ऐसे सवाल आएंगे और एग्जाम में जब ऐसी तैयारी करनी होगी कि दमदार तैयारी की जरूरत है, तो जब भी एग्जाम में दमदार तैयारी की बात आती है तो उत्कर्ष का नाम सबसे पहले आता है। और आपकी इसी तैयारी को और दमदार बनाने के लिए उत्कर्ष लेकर आया है बिग समर सेल। जी हाँ, बिग समर सेल में क्या होने जा रहा है, आप लोगों को बिग समर सेल 14th से लेकर 20th जून तक, 14 जून से लेकर 20 जून तक आपके पास में ये चीज़ बिग समर सेल रहने वाली है। इसकी जो आखिरी डेट है वो आखिरी डेट आपकी कौन सी रहेगी, आखिरी डेट इसकी रहेगी 20 जून तक, तो ये आपको याद रखना है। और इस बिग समर सेल में आपको क्या मिलने जा रहा है, तो इस बिग समर सेल में उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के सभी ऑनलाइन कोर्सेस क्लास 6 to 12 तक के सभी कोर्सेस पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको मिलने जा रहा है। और साथ में अगर हम बात करें 90% ऑफ के साथ साथ, तो आपको पता है कि हमारे उत्कर्ष क्लासेस का जो मेन यूट्यूब चैनल है उसका परिवार 13 मिलियन का हो चुका है, 13 मिलियन से बढ़ चुका है वो परिवार। और इसकी खुशी में, 13 मिलियन के परिवार हो जाने की खुशी में आपको 13% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलने जा रहा है। और इस डिस्काउंट को आप कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोर्स लेने जाएंगे उत्कर्ष ऐप पर, तो आपको क्या करना है कि वहां पर कूपन अप्लाई करना है UC13। जैसे ही आप UC13 कूपन अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, जो भी डिस्काउंटेड प्राइस 90% ऑफ होने के बाद मिली थी उसमें एडिशनल 13% आपको और ऑफ मिल जाएगा। दैट विल बी, यू हैव टू अप्लाई द कोड, दैट इज UC13। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे देखिए यहां पर बिग समर सेल में उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन में अकेडमिक सेशन 24-25 जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप CBSE बोर्ड से हैं, RBSE बोर्ड से हैं, MP से हैं, UP से हैं या BR बोर्ड से हैं, आपके सभी कोर्सेज पर 90% का ऑफ तो है ही है, साथ में अतिरिक्त 13% तक का डिस्काउंट चल रहा है। क्लास 6 to 8 आपका 2000 का है, उसमें भी आप ये कूपन अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 9-10 जिसमें 90% ऑफ करने के बाद भी अगर आप बात करें तो 3000 का कोर्स है, इस पर भी आप अतिरिक्त 13% का डिस्काउंट पा सकते हैं। 11-12 3500 का है, इसमें भी आप 13% तक का अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं। ये लाइव कोर्सेज हैं क्लास 11th and 12th में आर्ट्स और साइंस के, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो बिग समर सेल में उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन में कॉमर्स जो है वो आपको 11th 12th 2500 में, इसमें भी आप UC13 अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 11th और 12th अगर आप आर्ट्स और साइंस का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आर्ट्स और साइंस का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड मिल जाए, तो उसमें 11th 12th में आप 2500 का जो कोर्स है उसमें भी आप UC13 का कूपन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप अतिरिक्त 13% लाभ पा सकते हैं। इसके अलावा जब उत्कर्ष की बात आती है तो दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले उत्कर्ष क्यों बेहतर है और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने जा रहे हैं, तो देखिए टॉप नोट ट्यूशन टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, क्लास PDF जो भी यहाँ पे लिखाया जा रहा है उसकी PDF आपको अवेलेबल होगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, Term 1, 2, 3 एंड हाफ ईयरली एंड एग्जाम प्रिपरेशन, मतलब आपके जो भी एग्जाम प्रिपरेशन हैं वो पूरी करवाई जाएगी, आपको उस लेवल पे तैयारी करवाई जाएगी ताकि आप अपने एग्जाम्स में बेहतर परफॉर्म कर सकें। साथ में ऑडियो लेक्चर्स हैं, ऑल इंडिया वीकली सीरीज हो गई, प्रैक्टिस MCQs हो गए और स्मार्ट ई-बुक्स एंड नोट्स आपको मिलने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही है, तो याद रखिएगा 20 जून इसकी आखिरी तारीख है, तो उससे पहले पहले अपने कोर्स को परचेज कर लें और बिग समर सेल का आज ही लाभ उठाएं और इसके लिए आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू।